अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तस्वीरें देखी किस किस ने? देखी हाथ उठाना ऊपर, बहुत सुंदर। तो तस्वीर देखी, तो तस्वीर में क्या क्या देखा आपने शंकर भगवान के? क्या क्या देखा जल्दी बताओ। तो शंकराचार्य भगवान ने इसका वर्णन किया, चिता भस्मा ले को गरल मसानम दीपट धरो जटाधारी कंठे मुदग पतिया दीप सुपति कपाली
इसलिए श्रोता कहाँ बैठता है? नीचे। हमारी भाई लोगों से भी विनती है, आप लोग अगर बुरा ना मानो तो कहें, नहीं बुरा माने तो रहने देते, बुरा मानते तो बोल रहे। बात ऐसी है कि एक बार ध्यान से सुनना, हमारी माताओं से विनती है जरा थोड़ा सा। भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान सुना रहे थे, किसको? अर्जुन को। और अर्जुन का जो रथ है ना, रथ के ऊपर किसका वास है? रथ के ऊपर किसका वास है? हनुमान जी का। जोरदार ताली हमारी माताओं के लिए। अरे प्रश्न का उत्तर, तो रथ के ऊपर हनुमान जी का वास, कृष्ण गीता सुना रहे हैं और अर्जुन रथ से नीचे उतर कर कथा सुन रहे। कथा जब पूरी हो गई, गीता सुन ली, अर्जुन तैयार हो गए और बोले, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करो। और अब अर्जुन ने प्रणाम किया और कृष्ण ले जाने लगे रथ को, तब तक हनुमान जी रथ से उतरे और भगवान के पैर पकड़े। महाराज कथा मैंने भी सुनी, अब भाई जिससे कथा सुनते हैं उसको एक बार प्रणाम करना चाहिए, तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। कृष्ण ने, अब जब कोई प्रणाम करे तो क्या देते हैं? जोर से बोले, आशीर्वाद। लेकिन आज कृष्ण ने पता क्या दिया? श्राप। तो कथा सुनी आपने कहां से? बोले रथ के ऊपर से। तो बोले, जाओ हमारा श्राप है, तुम ब्रह्म राक्षस हो जा, पिशाच हो गए। हनुमान जी ने कहा, लोग कथा सुनकर पिशाच होकर तर जाते हैं और मैं पिशाच हो गया, क्यों महाराज? कथा सुनने का ये नतीजा मिला मुझे। बोले, हाँ इसमें हमारी गलती नहीं भाई, तुमने कथा ऊपर बैठकर सुनी, इसलिए जो कथा ऊपर बैठकर सुनता है उसे भी, इसमें हम क्या कर सकते भाई? ऐसा नहीं है, जिनको परेशानी है, कई माताओं के पैर में भी दर्द होता है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, पर जो लोग जवान हैं वो कृपया नीचे बैठे और अच्छा हुआ। इसीलिए अब जब हनुमान जी पिशाच हो गए, हनुमान जी ने कहा, भाई तो हम क्या करें अब जो फिर से अपने शरीर में आए? बोले, गीता पे भाष्य लिखे, फिर पिशाच भाष्य लिखा और फिर हनुमान जी अपने शरीर में। बुरा तो नहीं लग रहा किसी को? बुरा नहीं मानना आप लोग, हमारा काम है कहना। तो भगवान शंकर के सिर से ज्ञान की गंगा चल रही है और ज्ञान सदैव नीचे की ओर बहता है और सबको वो मिलता है। इसीलिए चिता भस्मा ले बगल में बैठा है, इसे ज्यादा दूर मत समझना, कभी भी फल मार सकता है और कभी भी ऊपर पहुंच सकते हो, इसीलिए सदैव तैयार रहना, मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए भगवान शंकर गुरु। अब बैठते किस पर है? नंदी। नंदी अर्थात धर्म। धर्म सदैव विश्वास का वाहन रहा है, इसलिए धर्म पर विश्वास शिव बैठते। तो अब कंठ में भुजगपति आरी पशुपति, अब फिर क्या कहते हैं? कपाली भूते सो भजति जगदी सही पदवी, और बड़े बड़े मुंड माला भगवान शंकर के गले में लटक रही है, बड़ी बड़ी जटाएं है, हाथ में त्रिशूल है, और त्रिशूल की कितनी नोक होती है? तीन।
और संसार में भी त्रिशूल है। तीन प्रकार के शूलों से व्यक्ति पड़ा हुआ है, लेकिन इन त्रिशूलों को हाथ में रखना है, अपने हाथ में त्रिशूल। और ये त्रिशूल कोई और नहीं, सत्व रज और तम, सत्व गुण रजोगुण और तमो, इन गुणों को हाथ में रखना है। इसलिए और साथ में जब चलते हैं तो पत्नी जी कौन है? पार्वती जी। और पार्वती जी को तुलसी बाबा श्रद्धा कहकर बुलाते हैं, इसीलिए पार्वती श्रद्धा, विश्वास का विवाह श्रद्धा से होता है। तुम में श्रद्धा तो है, पर अगर भगवान के प्रति विश्वास नहीं तो वो श्रद्धा किसी काम की। अपनी श्रद्धा में विश्वास होना चाहिए, अपनी भक्ति में विश्वास होना चाहिए। पर लेकिन आज व्यक्ति की भक्ति में विश्वास नहीं, कोई कुछ सिखा दे तो बस उसी की तरफ। इसलिए हमारी श्रद्धा में विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा का विवाह विश्वास से हुआ है, और जब तुम्हारे पास श्रद्धा भी आएगा और विश्वास भी आएगा, तब उनके पुत्र, दो पुत्र है, कौन कौन से? बहुत अच्छे, हमारी माता है, हर प्रश्न का उत्तर देती, भाई लोगों को भी देना पड़ा। दो पुत्र है, भाई लोग बोलेंगे, आप लोग चुप रहना। कौन कौन से? गणेश कार्तिक। बहुत अच्छे, जोरदार ताली हमारे भाई लोगों के। हमने सोचा भाई लोग कम है, लेकिन भाई लोग बोले हम कम नहीं। तो दो पुत्र है, गणेश और कार्तिकेय, दोनों में बड़े। कार्तिकेय, कार्तिकेय यानी ब्रह्मचर्य, और गणेश यानी ज्ञान। और ज्ञानी के बारे में जो कहें वो कम है। अगर गणेश जी का वर्णन करें तो लंबोदरम भरम सुंदर में कदंतम रक्ताम्बरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर करोज्ज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। गणेश जी का लंबोदर पहला नाम। ज्ञानी का पेट बहुत बड़ा होता है, देखो जरा किस किस का पेट बड़ा है। देखो भाई, ज्ञानी की पहचान है जिसका पेट बड़ा। पेट ये नहीं, ये वाला पेट। पेट का मतलब है भूख, उसे ज्ञान की बहुत भूख रहती है। वो कितना ही पढ़ ले उसका मन नहीं भरता, और मन और पढ़े उसका पेट बहुत बड़ा होता है, इसीलिए लंबोदर। परम सुंदर मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम, तीन नेत्र हैं और आंखें तेज हैं। हाँ, गणेश जी की आंखें तेज है, और ज्ञानी की आंखें कैसी होनी चाहिए? तेज होनी चाहिए। शास्त्रों में छोटी से छोटी बात उसे क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो त्रिनयन, तीन नेत्र हैं, और ज्ञानी की एक विशेषता और बता, ज्ञानी का मुख लंबा होता है। गणेश जी की सूंड है ना बहुत लंबी, कितना ही बोले कथा पूरी नहीं होती, क्या करें। इसीलिए ज्ञानी का मुंह लंबा होता है। तो ऐसे गणेश, और गणेश मतलब ज्ञान। इसीलिए हम लोग केवल कथा ही ना सुने, ध्यान से सुनना भाई भाई लोग, हम लोग केवल कथा ही ना सुने, कथा का तात्पर्य भी समझे। समाज में हम बहुत जानते हैं कि शिव का विवाह पार्वती से हुआ, दो पुत्र हुए गणेश और कार्तिकेय। गणेश जी का विवाह कार्तिकेय जी का विवाह नहीं हुआ, गणेश जी का विवाह हुआ रिद्धि और सिद्धि से। दो पुत्र हुए, क्षेम और लाभ, और वाहन था मूसक, पर पता ही नहीं किसका मतलब क्या है। तो आज ध्यान से सुनना, कोई घर जाकर पूछे क्या सुना तो सुना दे। तो गणेश जी का विवाह हुआ दो लोगों से, दो पत्नियां हैं गणेश जी की, कौन कौन? रिद्धि और सिद्धि। तो जब भाई एक चीज बताओ, जब तुम्हारे आप लोगों के घर में विश्वास भी आ जाएगा, श्रद्धा भी आ जाएगी, गणेश भी ज्ञान
तो क्या रिद्धि और सिद्धि घर पर आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी भाई। पहले कैसे आएगी? गणेश जी ने कैसे प्राप्त किया रिद्धि सिद्धि को? पहले चूहे पर बैठकर परिक्रमा लगाई माता पिता की। हाँ, इसीलिए पहले चूहा बनना होगा। चूहा भी बनना होगा। किसी ने कभी देखा चूहा सोया हुआ हो? देखा किसी ने? चूहे को जब देखो भागते ही रहता, कभी इधर तो कभी उधर। इसलिए हमें भी पहले चूहा बनना होगा। अपने ज्ञान को प्रसारित करना है, इधर उधर भागना होगा, तब जाकर घर पर क्या आएंगे? रिद्धि और सिद्धि। और घर पर दो पुत्र भी होंगे, क्षेम और लाभ। इसलिए ये रही भगवान शंकर के वंशावली। तो भगवान शंकर क्या वर्णन करें? चिता भस्मा ले पो करन भसनम दीप दरो जटाधारी कंठे भुजग पतिया त्रिप सुपति कपाली भूते सो भजत जगदी शैक पदवी। और सदा भगवान विष्णु के चरणों की भक्ति करते हैं। भजत जगदी शैक पदवी भवानी त्वत् पाणि। फिर भी शंकराचार्य भगवान ने देखो ध्यान से सुनना क्या कहा। पर महाराज फिर भी आपको कोई नहीं पूछेगा। शिवजी भगवान ने कहा भाई हमको नहीं पूछेगा, हमको तो बहुत लोग पूछते हैं। हमारे तो बड़े बड़े मंदिर भी है जहाँ पूजा भी होती है, लोग सोमवार को भी आते हैं, हमारा सोमवार का व्रत भी रखते हैं। मैंने महाराज चुप रहो, आपको कोई नहीं पूछता। भगवान ने कहा भाई तू किसे पूछते हैं? बोले बगल में बैठी पार्वती जी को। क्यों? बोले ग्रहण परिमाणी भले मितम। जब से आपका विवाह पार्वती जी से हुआ ना, तब से आप लोगों को जानते हैं। विवाह ना होता तो पड़े होते कहीं शमशान में, और विवाह हो गया तो आज मंदिर में बैठे। ये सब करामात हमारी माताओं की है। इसीलिए बोले आपकी जो आज पूजा हो रही है ना गौरी माता जी, जब से विवाह हुआ तब से हो रही है, नहीं तो आपको कोई पूछता क्या? भाई शास्त्र भी कहते हैं जित्र नारिष्ट पूजनते रमनते तत्र देव। इसलिए हमारी माताओं की कृपा भगवान शंकर पार्वती जी। तो जब से विवाह हुआ है, शिव भगवान का नाम है कि नहीं? भगवान का नाम शिव है, और शिव का मतलब कल्याण होता है। और उसमें भी शिव नाम में इकार ही शक्ति का प्रतीक है, और शक्ति हमारी माता है। और इकार को हटा दो तो क्या बनेगा? जोर से बोलो भाई, भाई लोगों को सुनना चाहिए। हाँ हम लोग बोलेंगे तो नहीं समझेंगे, आप लोग बोलो। शिव में से इकार हट जाए तो क्या बचेगा? इधर वालों को सुनना चाहिए, थोड़ा पीछे बैठे हैं। क्या बचेगा? सब। और सब उसे कहते हैं जो मर जाता है। इसीलिए अगर महाराज आपका विवाह इनसे नहीं हुआ होता तो आप सब होते। वो अच्छा हुआ विवाह हो गया, इसीलिए शिव हो गए। तो काले प्यार मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। अरे महाराज गर्दन के बगल में ही काल बैठा है, जरा बच के रहना। इसलिए भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की कथा को ध्यान से सुनते हुए हमारी माताएं भाई लोग हैं सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अब कथा प्रारंभ हुई। बोले महाराज कथा सुनाइए। बोले एक बार सुखदेव भगवान कथा सुनाने के लिए बैठे थे, परिचित कथा सुनने के लिए बैठे थे। उसी समय कुछ लोग कलश लेकर आए। आज हमारी माताएं भी कलश लेकर आए, और वो कलश लेकर जो आए थे ना वो कौन थे जानते हो? देवता। इसलिए हमारी माता भी देवत्व को लेकर आए। तो देवता लोग हाथ में कलश लेकर आए। जैसे ही कलश लेकर पहुंचे, सुखदेव जी को प्रणाम किया।
सुखदेव जी ने कहा भाई बड़ी गड़बड़ बात है, ये वैसे ही किसी को प्रणाम नहीं करते, कुछ काम होगा तभी आए। तो महाराज कैसे पधारे आज? बोले महाराज ये कलश कोई और नहीं साक्षात अमृत है, ये कलश में जो अमृत है ये परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित पी लेगा तो परीक्षित अमर हो जाएगा, और परीक्षित अमर हो गया तो आपको कथा सुनाने की क्या जरूरत है महाराज, और ये कथा तो आप हमें स्वर्ग में चलकर सुनाइए। इतना सुनते ही सुखदेव भगवान जोर से हंसने लगे और हंसते हंसते कहा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व बणिर महान ब्रह्मरातौ विचार्यैव। आज सुखदेव भगवान हंसने लगे और हंसते हुए कहा ए देवता तुम मुझे बालक समझकर ठगने आए हो क्या? भाई कोई कांच के बदले में भी मणि देता है, तुम्हारा अमृत कांच है और मेरी कथा मणि है, कथा की तुलना किसी से हो सकती है? बताओ, एक बात ध्यान से सुन, अगर जीवन है तो सब कुछ कमा सकते हो, और सब कुछ होते हुए भी क्या जीवन को ला सकते हो? नहीं ला सकते, इसीलिए जीवन बहुत बड़ा है। पर लेकिन फिर भी सुखदेव जी ने इस जीवन रूपी अमृत को बेकार बता दिया, कांच बता दिया और कथा को मणि बता दिया, इसीलिए आप लोगों को ये मणि मिली है, ये ऐसी मणि है, ये पारस मणि है। पर लेकिन पारस मणि तो लोहे को सोना बनाती है, लेकिन ये कथा सबको पारस कर देती है, इसीलिए ऐसी कथा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। भाई आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, क्यों आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों? इतने सारे लोग हैं, ऐसी आवाज आनी चाहिए, आस पास वालों को भी पता चल जाए कथा हो रही है, इसीलिए जोर से जयकारे लगाते हुए बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। क्या बात है भाई, लोगों की बड़ी तेज आवाज। तो इस प्रकार अब परीक्षित महाराज देवताओं को वापस लौटा दिया, देवता सत्यलोक में गए, वहां तोला गया तो सब पुराणों से भारी जब तब कर्म साधन योग विद्या सबको एक पलड़े पर ब्रह्मा जी ने रखा, एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, फिर भी श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी रहा, इसीलिए भागवत जी व्यक्ति का मोक्ष देने वाली है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो अब देवता भी अपने लोगों को गए, इधर ब्रह्मा जी को शंका हुई, तब आकर भगवान ने बताया, बोलिए भागवत जी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, मेरी तुलना तुम किसी और से क्यों कर रहे हो? इसीलिए भागवत जी भगवान का स्वरूप है, आप लोग भी जब जाएंगे तो एक बार प्रणाम करेंगे, अपने ही जगह से प्रणाम कर ही अपने घर को जाएंगे और प्रसाद लेकर जाएंगे। तो अब ऋषियों ने कहा महाराज हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य मिले। बोले कोई बात नहीं नारद जी, नारद जी की कथा हम आपको सुनाते हैं। सूत जी ने कहा अब कथा प्रारंभ। एकदा ही विशालाया चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रिशु तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी में चार ऋषि बैठे हैं, शनकादिक ऋषि, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चार ऋषि बैठे हैं। इधर नारद जी महाराज वहां घूमते फिरते पहुंच गए, ऋषियों ने देखा नारद का मुख मुरझाया हुआ था। संत सदैव चिंतन करता है चिंता नहीं, इसीलिए ऋषियों को शंका हुई नारद इतने बड़े संत होकर भी चिंता कर रहे हैं। देखो चिंता और चिता समान है, और दोनों में खतरनाक चिंता, क्योंकि चिता तो मुर्दों को जलाती है, चिंता जीते जी व्यक्ति को जला देती है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए भगवान का, इसीलिए
आज नारद जी महाराज को देखकर शंका हुई। ऋषियों ने कहा महाराज प्रणाम। नारद जी ने प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा महाराज आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो आपका सारा धन लूट गया हो। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जगह श्रोता भी ऐसे होते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है पकड़ कर लाए होंगे बैठा दिया होता है। कहिएगा आप लोगों के लिए नहीं करे पर लेकिन कोई श्रोता हो जो कई जगह ऐसे भी श्रोता मिल जाते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जबरदस्ती पकड़ कर लाए हो और बैठा दिया होगा। 3 घंटे कथा है सुननी। इसीलिए कई जगह ऐसे भी श्रोता पर लेकिन बेचारे वो ऐसे बैठे होते परेशान। आप लोग तो कोई परेशान नहीं। चलो अच्छा तो अब नारद जी महाराज को देखकर कहा क्या चिंता है नारद जी। नारद जी ने कहा महाराज संत कभी अपनी चिंता नहीं करता, हम सब लोगों की चिंता करता है, संसार की चिंता करता है। महाराज अहम तो पृथ्वी ज्ञातम ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। महाराज मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतु बंधन गया, सारे तीर्थ घूम आया लेकिन आनंद नहीं आया, वो भगवान की अनुभूति नहीं हुई जो पहले हुआ करती थी। मैंने सोचा था इस पृथ्वी में कभी भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं, कभी ऋषि के रूप में आते हैं, कभी पशु के रूप में आते हैं और कभी तो पशु और मनुष्य एक साथ आ जाते हैं। मनुष्य रूप में राम बनकर आए, संत रूप में कपिल देव बनकर आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।